वाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डेज। तो देखिएगा इसका उत्तर ये दिया गया, पूरा का पूरा आप लोग देख लें और इसको अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। और उसके तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आ चुका है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये तो रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और ये रहा आपके पेपर का पूरा सोल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड क्वेश्चन जो है ना आपके मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया। तो चलिएगा आप जल्दी से आपके पेपर की शुरुआत करते हैं, जानते और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आया है और आप सबको इसका सोल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 का आपका अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सबसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा ये तो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर के सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहां से आप सब लोग देख लें, इस प्रकार का पूरा आपका एक क्वेश्चन पेपर आया है, आप सब लोग इसे देखें और अच्छे से समझ भी लेंगे। देखिएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा यहां से आपको क्या करना है, इस पेसेज को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से पढ़ना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस पेसेज को पढ़ लेने के बाद में फिर आपको इन पेसेज के उत्तर देने हैं। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट आर द जोक ऑफ चाइल्डहुड। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा गेम्स फन ईटिंग स्वीट्स एंड केक, इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, वुड ओल्ड पीपल बी हैप्पी इफ दे बिकम चिल्ड्रन अगेन। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा नो। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, व्हाट विज डिड द फादर मेक। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा हेड बीन ए चाइल्ड अगेन, इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, देर इज ए स्टोरी दे टेल ऑफ ए वो बॉय हूँ वाज क्राइंग। तो देखिएगा इसको उत्तर आएगा फनी, यहाँ से आपको लिख लेना फनी। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, वाई वाज द बॉय क्राइंग। तो देखिएगा इसका उत्तर होगा ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा। अब इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उन सभी के उत्तरों को समझते हैं ताकि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लें जिसमें कि क्या लिखा है, टू होम डज ए चाइल्ड ट्रेबल्स सीम बिग। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा आपको टू चाइल्ड, यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में सातवें क्वेश्चन को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेसेज व्हाट डू ओल्ड पीपल से, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर का, ये वाला दूसरे नंबर का, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ द प्लेसेंट इज। तो देखिएगा प्लेसेंट का अपोजिट क्या होगा आपको बताना है। ए टू जेड क्वेश्चंस मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा लास्ट टाइम तक देखा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से देख लेंगे। तो देखिएगा सातवें का उत्तर दूसरा होगा, आठवें का आपका ये आ जाएगा अनप्लेजेंट, और उसके बाद में नवे का द वर्ब फॉर्म ऑफ द डिस्कशन इज। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा आपको लिख लेना डिस्कसिंग। उसके बाद में गिव अपोजिट ऑफ द फॉरगेट। तो देखिएगा फॉरगेट का जो अपोजिट आ जाएगा आपका रिमेंबर। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लें इस प्रकार से। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि आपको एक नोट मेकिंग समरी बनानी है, यानी कि आपको टाइटल देना है और नोट्स बनाने हैं। वैसे तो आप सबको ये बनाना आता होगा और अगर नहीं आता है तो मैंने आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन उपलब्ध करवा दी है, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग इन चीज़ों को बनाना सीख सकते हो। अब उसके बाद में देखिएगा आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, जिसमें कि आपसे एक एडवर्टाइजमेंट पूछा गया फॉर सेल का, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप जल्दी से इस एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया है। तो देखिएगा ए टू जेड क्वेश्चन बताऊँगा, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को देखते हैं ताकि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार से इसको अच्छे से देख लिया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों वैसे तो नोट मेकिंग समरी इस प्रकार से बनाई जाती है, आप सब लोगों को आती होगी बनाना, और अगर नहीं आती है तो आप लोग इसको बनाना सीख ले, मैंने वीडियो उपलब्ध करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग उसको बनाना सीख सकते हो। और देखिएगा ये फोर सेल का जो पोस्टर है ना, ये इस प्रकार से आप सबको बना लेना है, पूरा का पूरा देख ले आप लोग यहाँ से। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर। तो देखिएगा पोस्ट मास्टर को आपको एक लेटर लिखना है, और इसमें क्या बताया गया है देखिएगा,
यहाँ से पूरा का पूरा है पोस्ट मास्टर को लेटर लिखा है, पूरा आप लोग देख लें इसको इस प्रकार से और पूरा का पूरा समझ लें यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग देख लें इसको। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। तो देखिएगा शॉर्ट पैराग्राफ लिखना आपको 150 शब्दों में इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के ऊपर आपको एक वो लिखना है। तो देखिएगा इसका उत्तर आप सब लोग यहाँ से देख लेंगे, ये इसका उत्तर होगा, आप सब लोग इसे देखें और अच्छे से समझ लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा। तो देखिएगा छठा क्वेश्चन तो मैं यहीं पर हल करवा देता हूँ आपको, इसमें आपका वेयर आ जाएगा, इसमें आपका सम आएगा और इसके बाद में इसमें आपको गो लिखना है, इसमें आपका ओप आ जाएगा और पाँचवें में आपका देन आएगा और छठे में आपका मस्ट आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें या फिर थोड़ा सा पास से मैं आपको बता देता हूं। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे इसको कि सभी के सभी जो रेड कलर से मैंने टिक कर रखे हैं सभी राइट वाले आंसर है, आप लोग देख लें यहां से। अब इसके बाद में देखिएगा डुएट डायरेक्टेड पूछे गए हैं, तो पहले आप लोग इनको देख लें अच्छी प्रकार से और फिर इनका सोल्यूशन बताता हूँ मैं आपको कि आपको इनका सोल्यूशन कैसे बनाना है। ए टू जेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो देखिएगा ये तो आपको फिलिंदा ब्लैंक्स है, आप सब लोग देख लेंगे इनको और ये आपके डुएट डायरेक्टेड लिखे हैं, तो आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में आगे क्या पूछे जाएंगे आपसे, सारी चीज़ों को देखते जानते और समझते हैं कि आगे आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, इसको भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग देख लें, ये पूरा का पूरा दिया गया, आप सब लोग इसको देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन गांधी हेड नेवर हेड चंपारण, तो देखिएगा इसका उत्तर बिल्कुल सत्य होगा ये। दूसरा क्वेश्चन वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, चंपारण कहाँ पर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा इन द फूड हिल्स ऑफ हिमालय, ऑफ द टावरिंग हिमालय, इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हु कम टू मीट गांधी, इसका राइट आंसर आ जाएगा राजकुमार शुक्ला। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन गांधी हेड गोन टू एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 1960, इसका राइट आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन में आपको लिख लेना 2301। उसके बाद में नवे नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आपको पोएम दी गई है, आप लोग समझ लें यहाँ से। और उसके बाद में इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिख लेना कीपिंग क्वाइट, सेकंड में आपको स्टे लिख लेना है और थर्ड में आपका कीप आ जाएगा, कीप इज क्वाइट। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपको क्या क्वेश्चन लिखे हैं, इसी का बी वाला भाग ये लिखा है। तो इसका पहला क्वेश्चन फ्रॉम विच लेसन दिस स्ट्रिक्ट टेकन बाई, ये किस पार्ट से लिया गया, द टाइगर किंग से। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको कर लेना ऑल ऑफ देश। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन द टाइम ऑफ प्रॉपर्ली जिजानी जुंग जुंग और बहादुर वाज, तो देखिएगा इसका उत्तर लिख लेना 10 डे ओल्ड। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चौथा क्वेश्चन द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन हैव टू मीट इट डेथ, तो देखिएगा बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब आगे के हम क्वेश्चंस को समझते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को भी समझते हैं ताकि आप सबको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है, ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डेज। तो देखिएगा इसका उत्तर ये दिया गया, पूरा का पूरा आप लोग देख लें और इसको अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देखें इसको और अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन व्हाट डाउट्स डिड इडला हैव अबाउट द पेडलर, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और आपको उत्तर बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन हाउ डिड डगलस मेक श्योर देट ही हैड कॉन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर, तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ना इसका उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देखें इसको और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लेंगे पूरा टोटल यहाँ तक का। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए, अब बाकी में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा अब आगे आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन ये लिखा पांचवा व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिसोलिएट, तो देखिएगा इसका उत्तर आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको इसके उत्तर को नोट करना है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देखें इसको और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेंगे पूरा। अगला क्वेश्चन तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड हु डिड सो हिज एंगर ऑन, तो देखिएगा ये छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें इसको, वैसे ये हट चुका है शायद आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ग्यारहवा, ग्यारहवें का पहला क्वेश्चन
वाट इज़ द काइंड ऑफ पेन, तो देखिएगा इसके उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लें, ये इसका उत्तर दिया गया पूरा का पूरा, आप लोग इसे याद कर लें अच्छी प्रकार से। अगला क्वेश्चन, वाट विल काउंटिंग 12, तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा 11 का, इसका उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग इसे देखें और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर एक्सप्लेन, तो देखिएगा 11 का तीसरा क्वेश्चन, तो 11 का तीसरा क्वेश्चन ये लिखा है पूरा का पूरा, आप लोग इसे देखें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग याद कर लेंगे, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लें पूरा। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, 11 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है वाट ऑन द चाइल्डिस, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है पूरा का पूरा, आप लोग इसको देखिए और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन, 12 का पहला क्वेश्चन, वाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका 12 का पहला वाला, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा गया है, आप सब लोग देखें इसको और यहाँ तक का पूरा याद कर लेंगे इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन, और उसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद में दूसरा, हु इज़ द टाइगर किंग, तो देखिएगा हु इज़ द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाई डज डॉक्टर सदाओ, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देखें इसको और इसको पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन, और उसका उत्तर मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया यहाँ से, तो आप लोग इसे देखें और अच्छी प्रकार से याद कर लें पूरा। और उसके बाद में 13वां क्वेश्चन को देखते हैं, 13वां क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ, तो देखिएगा इसका उत्तर देखते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को देख लें और इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा ना 13 का दूसरे नंबर का क्वेश्चन, इसका उत्तर ये लिखा है पूरा का पूरा, आप लोग देख लें इसको और अच्छी प्रकार से इसको याद भी कर लेंगे। उसके बाद में 13 का दूसरा बता दिया, 13 का तीसरा देखो, व्हाई डज मोस्ट सेलिब्रिटी, तो देखिएगा 13 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से आप लोगों को ये नोट कर लेना है पूरा का पूरा क्वेश्चन, और उसका उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया, तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा नोट कर लें। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन, 14 का पहला वाला, वेयर व्हाट वेयर द पोएट्स फीलिंग, तो देखिएगा 14 का पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, या फिर आप लोग इसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एरोड स्टार्ट स्टैंड, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा गया पूरा का पूरा, आप लोग देख लें यहाँ से और इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लेंगे। और आप चाहे तो ऊपर वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, व्हाट वेयर द पोएट फीलिंग, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे, ये इसका उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी 15वां क्वेश्चन, वाई अंटार्कटिका द प्लेस, तो देखिएगा इसके उत्तर को देखते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर ये दिया गया है, तो आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन जो जो मैंने आपको बताए, आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से देख लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। अब इसी के साथ मैं प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।